नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन का हल्का नंबर कहां से पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जमीन में मौजा नंबर, मौजा नाम, थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, अन्य जो भी विवरण है वो सब रहता है और उसके ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ। अब बात आती है हल्का नंबर को लेकर, तो हल्का नंबर क्या है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि हल्का नंबर नहीं पता है, तो हल्का नंबर हम कहाँ से पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों हल्का हल्का नंबर जो होता है वह राजस्व कर्मचारी को जो जिम्मेवारी दी जाती है, एक मौजा या दो मौजा या तीन मौजा या उनसे अधिक मौजा, जो भी उनको मौजा मिलता है कार्य करने के लिए, उसका एक ऑफिस होता है, एक कार्यालय होता है और उस कार्यालय को ही हल्का कार्यालय कहा जाता है और उस कार्यालय का जो नंबर होता है उसे हल्का नंबर कहा जाता है। तो हल्का नंबर आप यदि जानना चाहते हैं तो आप मौजा के राजस्व कर्मचारी के कार्यालय में जाएं, वहां पर आपको गेट के पास ही लिखा राजस्व कर्मचारी के कार्यालय में, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर हल्का नंबर आप पता कर सकते हैं। तो हल्का नंबर आपका कौन सा है आप अपने मौजा के राजस्व कर्मचारी से पता कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।